How about this mama look at me. No? असलमेक कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद खैरियत से होंगे मेरी YouTube फ़ैमिली को दूसरा रोज़ा मुबारक ओ तो चलिए आपको दिखाते हैं दूसरे रोज़े की आ, सहरी से ले कर की रूटीन अभी सहर का टाइम था और मैं जागी ताकि मैं फ़ौर से सहरी तैयार करके फिर उसके बाद इनको उठाऊँ और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं बड़े चुपचाप तरीके से वीडियो बना लूँ ताकि ये लोग मोबाइल की लाइट से डिस्टर्ब ना हो फिर भी मैंने रूम में लाइट ऑन नहीं की थी मैंने जो अटैच्ड बा, बाथरूम था उसकी लाइट ऑन की और जो हॉल था उसकी लाइट ऑन की ताकि थोड़ी सी क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाई वो उसमें बिल्कुल कुछ भी क्लियर नहीं था लेकिन साथ में ये भी कोशिश करी थी ताकि कोई आहट ना होने पाए और अमल या मोहम्मद यादल जाग ना जाए तो मैं अभी किचन में आ गई और मैंने पराठे बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी और साथ ही मैंने फ़ौरन से चाय रख दी क्योंकि हमारा जो वैसे भी नाश्ता होता है वो थोड़ा भरपूर और देसी टाइप का नाश्ता होता है पराठों के साथ और मक्खन के साथ और सहरी भी हम उसी तरह से करते हैं तो साथ ही चाय के पानी को बॉईल आ चुका था और मैंने अभी इसमें चीनी और पत्ती ऐड करना थी जल्दी जल्दी से इसलिए भी थोड़ा बना रही थी क्योंकि कल भी ऐसे ही हुआ था मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और मेरे दोनों बच्चे मेरी दोनों औलादें जाग गई थी और बड़ी मुश्किल से फिर जो है सहरी का टाइम कंप्लीट कर सकी मैं अपनी सहरी को क्योंकि फिर ये जब लोग ये लोग जाग जाते हैं तो फिर इनके डायपर वगैरह चेंज करना हो और इनको फीडी वगैरह बनाते देते तक क्योंकि वैसे ही शॉर्ट टाइम होता है शहरी में तो इतना टाइम नहीं बचता तो अभी मैं इसमें टी पोर कर रही थी कप्स में क्योंकि ये लास्ट मेरा होता है काम के जैसे ही मतलब फ्रेश टी ही सर्व करूं साथ जो है पराठा जैसे ही उतारा ये बटर हम लोग स्पेशली पाकिस्तान से लेकर आए थे और पाकिस्तान हमेशा हम लोग पाकिस्तान का बटर ही यूज़ करते हैं जो भी कोई आने वाला हो तो हमें वहाँ से भेज दिया जाता है तो हमारे लिए पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज में बटर अवेलेबल होता है क्योंकि यहाँ का जो बटर होता है वो थोड़ा सॉल्टी होता है और वो हमें उसका टेस्ट भी कुछ इतना पसंद नहीं है तो अभी जो मेरा मेन मेन्यू था आज का मैंने दो तरह के पकोड़े बनाने थे और जैसे कि मैंने कल की भी आ, कल के व्लॉग में भी बोला कि अवतारी हो और पकोड़ों के बग़ैर हो ये तो पॉसिबल नहीं है तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने एक दो काम इनके साथ और भी किए थे किचन की क्लीनिंग थी और इसी तरह से क्लटरिंग वगैरह थी तो मैंने इस वजह से आ, कोशिश की कि मैं पकौड़ों पे ही आज थोड़ा फोकस करूं मैंने पतले पतले आलूओं के कतले काट लिए थे और उनको पानी में डिप इसलिए कर दिया था क्योंकि इनका कलर चेंज ना और हल्का सा सॉल्ट ऐड किया था उससे ये होता है कि अगर थोड़ा बहुत भी मीठा टेस्ट हो आलूओं का तो वो पकौड़ों में नहीं जाता इसी तरह से टिप्स में भी या फ्रेंच फ्राइज की भी यही होती है मेरी कोशिश कि जैसे ही मैं आलू काटूं क्योंकि आलू फ़ौरन से येलो पड़ जाते हैं तो इसलिए पानी में ऐड करके और साथ ही सॉल्ट ऐड करके डाल देती हूँ अभी मैं बाकी मसाले इसमें ऐड करी थी बेसन में जिसमें जो है हल्दी थी और लाल मिर्च थी इसी तरह से थोड़ा सा इसके साथ जो है ज़ीरा ऐड किया और थोड़ा सा सॉल्ट था तो मैं क्योंकि दो तरह के जैसे मैंने मेंशन किया कि दो तरह के पकोड़े बना रही थी एक तो आलू के और दूसरे प्याज के तो उसके लिए मैं बैटर एक एक साथ बना के रखना चाह रही थी तो अभी मैंने सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दी थी और लेमन मैंने ऐड किया लेमन ऐड करने का ये फ़ायदा होता है कुछ लोग इसमें योगर्ट ऐड करते हैं लेकिन मैं योगर्ट और लेमन दोनों ऐड करती हूँ एक तो ये पकोड़े या फ्रेंच फ़्राइज़ इससे क्रिस्पी बनते हैं और दूसरी चीज़ ये होती है कि थोड़ा सा सॉफ़्ट ये रहता है पक भी जाता है बहुत ही आप कह सकते हैं कि ये सॉगी नहीं बनता मतलब बहुत ही नरम नहीं पड़ जाता और इसी तरह से बहुत सख्त भी नहीं होता कि ऐसा ना लगे कि खाते हुए कि आप कोई बहुत सख्त चीज़ चबा रहे हैं तो लीम का और थोड़ा से हल्का सा योगर्ट और अगर आपके पास योगर्ट ना हो तो आप वन टीस्पून उसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं उससे आपके पकोड़े जो हैं हमेशा एक तो उन पर शाइन आ जाता है और दूसरा ये है कि थोड़े नरम हो जाते हैं तो अब दोनों चीज़ें मेरी रेडी थी एक तरफ प्याज और दूसरी तरफ़ जो है आलू के कतले काट के मैंने रख लिए थे पानी में डिप करके वही चीज़ें कि मैं उसमें मसाला ऐड कर रही थी जो दो तीन चीज़ें मेनली ये चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं हर घर में कोई भी इसमें कोई मुश्किल नहीं होता और इसमें दो चीज़ें हैं कि कुछ लोग आलू के पकोड़े पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है प्याज के पकोड़े जैसे मुझे प्याज के पसंद हैं और इन्हें आलू के पकोड़े पसंद हैं तो ये प्याज़ के पकोड़े बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करते इसलिए मुझे पसंद थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना दो तरह के पकोड़े आज अलग अलग, अलग बना लिए जाएं लेमन में अल्लाह ताला ने कुछ नेचुरली ऐसा रखा है कि वैसे ही हेल्थ वाइज़ आपके लिए बहुत अच्छा होता है स्पेशली वेट लॉस के लिए अगर आप चीज़ों में ऐड कर देते हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा होता है आप वेट गेन नहीं करते लेकिन वही बात कि जिन लोगों का स्टमक ज़्यादा अपसेट होता है उनके लिए लेमन क्योंकि एक तो वैसे ही सावर टेस्ट होता है लेमन का तो आप उस तरह से ट्राई नहीं कर सकते लेकिन जिन लोगों को ये इजीली एब्ज़ॉर्ब होता है उनके लिए बहुत अच्छा होता है प्याज़ को मैंने बिल्कुल बारीक सा काट के स्लाइस फॉर्म में और मैं इस इसके इनको बिल्कुल अलग अलग कर दिया था ताकि इजीली जो बेटर है वो इन पर कंप्लीटली लग सके अभी ये जो है दो अलग अलग क्योंकि डिप हुए हुए थे आलूओं को मैंने डिप कर दिया था और इसी तरह इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर और इसी तरह से जो है ग्रीन चिली मैंने ऐड कर दी थी वो आपके टू द टेस्ट है कि अगर आप उसमें ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं होता ग्रीन चिली का तो वो लोग नहीं ऐड करते अब जो बैटर मैंने बना दिया था वो मैंने दोनों पे लगाना था लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के आलूओं के लिए मुझे थिक बैटर चाहिए था ताकि ईज़िली जो है उन पर लग सके और वो बन सके और वो भी टू द टेस्ट है कि कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि इसके साथ थिक बैटर लगा हो और कुछ लोग जो हैं बिल्कुल लाइट पसंद करते हैं और प्याज के लिए मुझे एंड पे थोड़ा सा और बेसन ऐड करना पड़ा क्योंकि खुद प्याज बहुत वाटरी होता है प्याज पानी छोड़ता है तो इसके लिए ये है कि आप देख लें अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है तो अभी ये दोनों चीज़ें मैंने मिक्स करके आलू भी और प्याज़ भी रख के मैंने इसके ऊपर इसको कवर कर दिया था और इनको मैंने कवर किया था फ़ूड स्टोरेज कवर से ये मैंने डे टू डे से लिए थे यहाँ पे इजीली अवेलेबल होते हैं और अगर आपके पास नहीं है तो नो प्रॉब्लम आप इसके ऊपर कोई भी प्लेट या कोई भी चीज़ रख के आप इसको कवर कर सकते हैं किचन के बिल्कुल ऑपोजिट आप, हॉल है और बच्चे दोनों वहाँ पे मौजूद थे तो अदील मुझे बता रहे थे कि आप देखें कि मोहम्मद ने ख़ुद से जो है नीचे उतरना स्टार्ट ए, कर लिया था और जैसे जैसे मोहम्मद की ग्रोथ हो रही है हर रोज़ एक नई चीज़ जो है एक्सप्लोर करने को मिलती है और हर बच्चे का जो अंदाज होता है वो दूसरे से बहुत अपोज़िट होता है और अमल टोटली मोहम्मद से अपोज़िट थी मैं अभी हमेशा यही बात करती हूँ कि मोहम्मद जो है शायद बॉयज़ में एक कुदरती एक नेचुरली एक चीज़ होती है कि वो थोड़े शरारती होते हैं लेकिन अमल इस तरह की नहीं थी अमल बिल्कुल कूल काम सी थी तो मोहम्मद के लिए स्पेशली पीछे पीछे फिरना पड़ता है और उसको देखना पड़ता है कि कहीं किसी चीज़ में ये ना गया हो या कोई क्योंकि पानी का इसको बड़ा शौक़ है तो इसकी यही कोशिश होती है कि अगर हम लोग किचन में हो या हम लोग जो है कोई पानी वाला काम कर रहे हो तो इसने ज़रूर जो है साथ जाना होता है तो अभी ये मुझे दिखा रहे थे कि किस तरह से ये अपना स्टेप चेंज करेगा लेकिन अभी थोड़ा शायद मोहम्मद को भूल गया था मोहम्मद को समझ नहीं आ रही थी साथ ही पकोड़े फ्राई हो चुके थे पहले मैंने आलुओं वाले स्टार्ट किए थे क्योंकि प्याज का जो है मैंने पहले भी मेंशन किया कि प्याज का पानी होता है तो मुझे ये था कि मुझे पहले आलू वाले स्टार्ट कर लिए कर लेने चाहिए क्योंकि पानी अगर मिक्स हो गया तो वो पकौड़े ऑलरेडी सॉगी हो जाएंगे ये दोनों बैटर मैं आपको दिखा रही हूँ एक तरफ प्याज़ वाला था और बिल्कुल थोड़े मिनिमम क्वांटिटी में है क्योंकि हम दो ही लोग हैं ज़्यादा लोग नहीं हैं तो बिल्कुल अपने हिसाब से मैंने उस क्वांटिटी में ही बनाया क्योंकि जब हम रोज़ा रोज़े से पहले हमें लग रहा होता है कि हम सब चीज़ें खा लेंगे लेकिन जैसे ही रोज़ा रोज़ाफ़्तारी होती है तो शरबत वग़ैरह ले कर उसके बाद इतनी गुंजाइश स्टमक में भी नहीं बचती और उसके बाद भी इतना टाइम नहीं होता कि आप तरावी के बाद भी अफतारी आइटम्स को ही ट्राई करते रहें तो उसके बाद लाइट सा खाना होता है और फिर ऑब्वियसली क्योंकि सहरी भी करनी होती है तो इसलिए खाना भी उस हिसाब से करना पड़ता है साथ ही मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ भी स्टार्ट कर लिए थे क्योंकि अमल पकोड़े नहीं खाती और उसको हम ख़ुद भी ट्राई नहीं करने देते क्योंकि स्पाइसी होते हैं थोड़े से तो अभी जो है जो आलू के पकोड़े थे वो रेडी थे बिल्कुल लाइट से थे इतने कोई थक इसका बैटर नहीं मैंने किया इतना किया कि बिल्कुल लाइट सा हो तो एक तरफ़ ये पकड़ इसके बाद जो है मैंने प्याज़ वाले पकोड़े फ़्राई करने थे और वो उसका जो बैटर था वो इससे भी कम था मुझे सबसे मुश्किल काम ये लगता है कि जब आप फ्राई करते हैं और फ़्राई करने के बाद ये जो छोटी छोटी सी इसमें रह जाती हैं इनको निकालने पे बहुत टाइम लगता है और स्पेशली जब बच्चे पीछे रो रहे होते हैं तो उनके फिर फ़ौर फ़ौर मुझे ये होता है कि काम ख़त्म हो और मैं उनको देखूँ तो बीच में चलता रहता है कि साथ बच्चों का भी अभी ये प्याज वाले पकौड़े बिल्कुल रेडी हो गए और दोनों तरह के पकौड़े रेडी थे इनको बिल्कुल मैंने एंड टाइम तक रखा था क्योंकि ये था कि फ़्रेश ही फ्राई करके रखूं वैसे तो हॉट पॉट में रख लेते हैं लेकिन उसके उसकी स्टीम की वजह से बहुत सॉगी से हो जाते हैं और फिर उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता थोड़े क्रंची पकोड़े अच्छे लगते हैं तो मैंने आज प्लेटर में ही थोड़ा सा निकाल के तो रख दिए थे मेरे किचन में थोड़ी सी लाइट कम लगती है और स्पेसिफ़िकली उस पोर्शन में जहाँ पे स्टोव है तो इतना एक तो उस पर शेडो आ जाता है और इतना कोई क्लियर नहीं होता तो अभी अदील इसमें आइस मिक्स कर रहे हैं शरबत मैंने दोनों बना के रख दिए थे वो मुझसे पूछ रहे थे कि कोई काम रह तो नहीं गया मैंने कहा बिल्कुल एंड पे दस मिनट रह गए थे और मैं उनसे कह रही थी कि जस्ट इसमें आइस ऐड करना है रोज़े में बस थोड़ा ही टाइम था और दुआ का टाइम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आपकी जितनी भी वो कहते हैं दुआ इबादत का मग़ है और अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि जब जो रोज़ादार है वो दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कोई अपने प्यासे आ, लबों के साथ मेरे से दुआ मांगे और अगर उसकी हाजत उसके हक़ में बेहतर हो तो मैं ज़रूर कबूल करता हूँ मोहम्मद की एक्टिविटीज़ भी साथ साथ स्टार्ट थी और उसको साथ वॉकर में डाल दिया था क्योंकि उसका यह होता है कि फिर उसको हर चीज़ चाहिए होती है और फिर ये डर होता है कि ग्लास वाली चीज़ें भी हैं कि बिल्कुल सिंपल सी तैयारी होती है दो लोगों ने कितना सा खाना होता है और फ्रूट चार्ट तो वैसे ही मस्त होती है वो तो डेली ऐड होती ही होती है और उसके साथ सिंपली मैंने पकोड़े कर लिए थे और साथ जो है टैंग था और साथ शकर का शरबत था मोहम्मद से नो 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 No नो 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 No, 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 no. No, 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 no. no say no. Say no? No. No, no 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 Like this. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no. It's fine here? साथ ही अजान स्टार्ट हो चुकी थी और अफतारी का टाइम हो चुका था अमल जो है टैंग ले ली थी और अमल इसको मैंगो जूस बोलती है उसको वो दिया था और क्योंकि ऑलरेडी उसने फ्रेंच फ़्राइज़ खा लिए थे तो वो फ़िलहाल सेटिसफाइड थी अभी ये दिल फ्रूट चाट ट्राई करने लगे आप जितना भी अफतारी में बना लें लेकिन ये होता है कि हमेशा चीज़ बच ही जाती कुछ अल्लाह की तरफ से इस महीने में ख़ास बरकत होती है कि अल्लाह ताला ने खास इस महीने में करम रखा होता है हम सब मुसलमानों पे कि एक तो वैसे अगर हम देखें तो हम डेली लाइफ में शायद इतना तरद नहीं कर सकते या इतनी चीज़ें नहीं बना सकते और जब आपके बच्चे और आपकी जॉब साथ साथ हाँ चल रही हो लेकिन अल्लाह ने कुछ कुदरती इस चीज़ में इस महीने में एक रखा होता है कि हमें भी थोड़ी ताकत मिल जाती है और हम भी थोड़ा एहतमाम कर लेते हैं और स्पेशल, स्पेशली जो है इबादत के लिए वैसे तो हमें हर दिन ही निकालना चाहिए हम मुसलमान हैं लेकिन इस मंथ पे स्पेशली अल्लाह ताला हमें कुछ इस तरह की क़त अता कर देता है और इस तरह की हिम्मत अदा करता है कि हम जो एक ख़ास वक्त निकाल के अल्लाह की इबादत कर सकें साथ साथ अमल का भी सर्विंग टाइम स्टार्ट था जो साथ साथ उसकी डिमांड्स भी शुरू थी कि मुझे फ़्रेंच फ्राइज़ के साथ जो है मैंगो जूस यानी टैंग दें तो चलें मैं अपने व्लॉग का यही अख्ताम करती हूँ बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो आप स्पेशली बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स उन लोगों का जो कमेंट करते हैं जो व्लॉग देखते हैं और कमेंट करते हैं जहां भी रहें खुशियां बांटें खुश रहें नेक्स्ट ब्लॉग के साथ इन हाजिर होंगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ असलकम